So I want to get into the word now. अभी इस वक्त वचन में जाएंगे। Today I want to talk to you about the anointing for supernatural speed. और आज चर्चा करने जा रहे दैवीय रफ्तार के अभिषेक के बारे में। The anointing for supernatural speed. दैवीय यानी अलौकिक रफ्तार जो मिलती है उसका अभिषेक। I've rarely talked about this. और बहुत ही कम पासवान जी ने इस पर चर्चा किए हैं। But there is an anointing in the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा का अभिषेक पाया जाता है। So let's look into that right now. तो चलिए आइए इस पर हम देखते हैं। So the Bible says in 1 Corinthians 9:24. तो बाइबल देखिए कहती है पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24वें वचन में। Do you not know that those who run in a race all run? वचन में ऐसा लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। But one receives the prize. मगर एक ही इनाम ले जाता है। Who is this one who receives the prize? कौन है ये एक व्यक्ति जो इनाम ले जाता है? And the Bible admonishes us saying that run in such a way that you may obtain this prize. और देखिए बाइबल हमें चेतावनी देती है इस तरह से कहते हुए कि तुम भी वैसे ही दौड़ो कि इनाम जीत सको। Now notice over here, it's not one person running, it's all are running. और गौर करें यहाँ पर कि एक व्यक्ति नहीं दौड़ रहा है लेकिन हर कोई दौड़ रहे हैं। And the one who will win the prize is the one who has speed. In other words, runs ahead of the pack. लेकिन उस एक व्यक्ति को इनाम मिलता है जो रफ्तार यानी तेज रफ्तार से दौड़ता जाता है। It does not matter on what level you are currently. It does not matter on what position you are in life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आप अपनी जिंदगी में किस स्तर में हैं, किस मुकाम पर हैं। Listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए। Today's teaching is very important. आज का शिक्षण बहुत ही खास है। If you want to move on higher, अगर आप ऊंचाई या बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, if you want to move to the next level, अगर आप अपने अगले स्तर में जाना चाहते हैं, in your business, आपके व्यवसाय में, in your spiritual life, आपके आत्मिक जीवन में, in whatever situation you are in, जिस किसी हालात में भी अभी आप हैं उसमें, you need supernatural speed, तो आपको अलौकिक रफ्तार की जरूरत है। You see, to win the race, 1 Corinthians 9:24 says that speed is an essential factor. आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9:24 वचन ऐसा कहता है कि अगर आपको दौड़ में जीतना है तो आपके पास रफ्तार का होना बहुत ही जरूरी है। This word is from the very presence of the Holy Spirit. और यह वचन देखिए सीधे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में से पेश किया गया। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। On the other hand, दूसरी ओर stagnation is a curse from the pit of hell. एक ही जगह पर ठहरे रहना जो है यह एक प्रकार का श्राप है नरक के उस गड्ढे में से आया हुआ। What is stagnation? और यह ठहरे रहना क्या है? It is a state of staying in the same place day after day, month after month and even years. और एक ही जगह पर बने रहने की हालत दिन ब दिन महीने भर महीने साल दर साल आप उसी जगह पर बने रहते हैं। You are on the same level. आप उसी स्तर में रहते हैं। Spiritually, आत्मिक तौर पे, financially, आर्थिक तौर पे, your relations become so boring, so stagnant. You see, you're on the same level, and stagnancy has crept in. और देखिए उसी स्तर पे आप बने रहते हैं, वो अंकुश यानी कि ठहराव जो होता है, आपकी ज़िंदगी को पकड़ के रखता है, और फिर आपका रिश्ता भी जो है, आपको एकदम उबाऊ जैसा लगने लग जाता है। God wants His children to move. To have progress. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो है आगे बढ़ते जाएं, उनके पास एक प्रगति और तरक्की हो। He wants his children to move to higher realms, higher levels. और देखिए वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है ऊंचे आयाम में ऊंचे मुकामों पर जाएं। This is a heart of a father. ये एक पिता का दिल है। Even in the secular world, अगर सांसारिक जगत में भी देखें, when you join a company, जब किसी कंपनी में आप जुड़ते हैं, it is your desire that you move up to different levels. देखिए यह आपकी तमन्ना होती है कि आप अगले अगले स्तर में जाएं। And you see, if you can have that desire, definitely your Father God, your Father in heaven has a desire for you to go higher and higher and higher. Somebody say, I receive this word. देखिए अगर आपके पास दिली तमन्ना यह हो सकती है अगले स्तर में और ऊंचाई पर जाने की, तो वैसा ही संभव है कि आपके स्वर्गीय पिता के पास भी ऐसी दिली तमन्ना है कि आप और ज्यादा ऊंचाई पर ऊंचाई और बुलंदियों पर जाएं। I want you to open your Bibles with me to the book of John 12 and verse 26. Come on, everybody. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय यूहन्ना का 12वां अध्याय उसका 26वां वचन। And Jesus spoke saying, यीशु वहाँ पे कहते हैं, Where I am, there my servant will be also. जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। Jesus, in other words, Jesus saying, दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, The position, the level that I am on, जिस मुकाम पर, जिस स्तर पर मैं हूँ अभी, I want my servant to be there also. मैं चाहता हूँ कि मेरा सेवक भी उसी स्तर और उसी मुकाम पर होए। Now, if this is a desire for the servants of God, then you and I are children of God.
Imagine how much Jesus wants you to be. Hallelujah. जरा सोचिए कि अगर परमेश्वर के सेवकों के लिए परमेश्वर की दिली तमन्ना यह है तो आप और मैं, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारे लिए उसकी दिली तमन्ना की कितनी ऊंचाई बुलंदी पर जाना कि कैसा होगा उसके लिए? Lift your hand and say, I am going to a higher level. Come on. आज अपने हाथ ऊपर उठाकर कहे कि मैं अपने ऊंचे स्तर में जा रहा हूं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Lift your hands and I decree and declare your levels are going to change right now in the name of Jesus. Your level, your ranking in the spirit is going to change today, says the Spirit of God. Raise your hand and say, I receive it in Jesus' name. Come on. हाथ उठाएं और आज आत्मा के आयाम में ऐसी घोषणा करते हैं कि आपका स्तर जो है बदल रहा है और आत्मा के आयाम में आपका दर्जा जो है आज वो बदल रहा है यीशु के नाम में. Somebody say, I receive it right now. कोई तो कहे मैं इस वक्त ग्रहण करता हूं. Some people may say, what is wrong in staying small? और देखिए शायद कोई ऐसा कहे कि starting small. और छोटे से शुरू करने में क्या खराबी है? Listen, the Bible says, don't despise the day of small beginnings. और क्या बाइबल ऐसा नहीं कहते कि छोटे दिनों की शुरुआत को तुच्छ मत गिनो? Now, that's why I need you to understand this. और देखिए यहीं पर तो चाहते कि आप इस बात को समझें अच्छे से. There's nothing wrong in starting small. छोटे से शुरुआत करने में कोई भी खराबी और कोई भी गलती नहीं है. But to remain small, month after month, year after year, and God knows, decade after decade, that's not the will of God. लेकिन महीने दर महीने, साल दर साल, और यहां तक कि परमेश्वर जानता है दशक दर दशक उसी स्तर में, छोटे स्तर में बने रहना यह ठीक नहीं है. Today lift your hand and say, in the name of Jesus. आज अपने हाथों पर उठाकर कहें यीशु के नाम में. I receive the anointing for speed. Come on, hallelujah. मैं रफ्तार का अभिषेक ग्रहण करता हूं. Hallelujah. कहे हालेलुया. Your prayer life will change today. Come on. आज आपका प्रार्थना जीवन बदलने जा रहा है. I want you to show you some scriptures that will really bless you. आपको कुछ ऐसे वचन दिखाना चाहते हैं जो यकीन आपको आशीष पहुंचाएगी. Everything that God does, he does it with his word. देखिए जो कुछ भी काम परमेश्वर करता है वो अपने वचन के साथ ही करता है. Peter writes, he says, God has given to us these promises, exceedingly rich promises, where we can inherit the very nature and character of God. और देखिए प्रेरित पत्रस ने इस तरह से कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए असीम वायदे किए हैं ताकि जिसके जरिए हम परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को अपना सकें. If you want to access the realm of the spirit, it's through the word. अगर आप आत्मा के आयाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वचन के जरिए ही संभव है. Okay, go to Proverbs 4:18 now. चलिए जाते हैं नीति वचन का चौथा अध्याय उसके 18वें वचन में. Look at what it says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है. But the path of the just is like the shining sun. देखिए वचन में लिखा है मगर धर्मियों का मार्ग उस चमकते हुए सूर्य के समान है. Who are the just? और देखिए धर्मी कौन है? The just are those who accepted Jesus Christ as a Lord and Savior. Now His righteousness has become their righteousness. Can I have a good amen there? और धर्मी लोग वो कहलाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है. देखिए यीशु की धार्मिकता फिर उनकी धार्मिकता बन जाती है. Now watch this. अब गौर करें. It says that shines ever brighter unto the perfect day. और देखिए आगे वचन में लिखा जिसका प्रकाश जिसका चमक जो है दोपहर तक और अधिक पर अधिक बढ़ता चला जाता है. Smith Wigglesworth, the great man of God, said. Smith Wigglesworth जी परमेश्वर के महान जन ऐसा कहा करते थे. Every day the anointing must increase. और वे ऐसा कहते थे कि हर दिन अभिषेक को बढ़ते रहना चाहिए. Every day there must be something new. हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होना चाहिए. It's like always we are growing into the image of Jesus. और ऐसा जैसे कि हर दिन और हमेशा हम बढ़ते जा रहे हैं यीशु के समानता और स्वरूप में. Pastor, will anything change in my life? पासवान जी क्या मेरे जिंदगी में कुछ भी बदलेगा? Yes. जी हाँ. First, you have to remove that negative thinking that nothing will change. You have to seek and you have to say yes. From today onwards, things are going to change in my life, in my relationship, in my business, in my jobs. Lift your hand and say, yes, I receive this word. Come on, somebody. सबसे पहले आपको अपने दिमाग में से, अपने मन में से नकारात्मक विचारों को निकालना है कि कुछ भी बदलेगा नहीं. और दूसरी बात आपको यह कहना है कि हाँ, सब कुछ मेरे जीवन में बदलता जा रहा है. मेरे संबंधों में, मेरे पैसों में, मेरे नौकरी में, काम धंधे में सब कुछ नया होता जा रहा है. आपको बोलना है. Every time I come on the pulpit, whenever I come on this place. देखिए जब कभी पासवान जी इस जगह पे इस मंच पर आते हैं. I expect God to do something new. परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें. I'm expecting that God would move in a different manner than he did before. और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे पहले काम किया था उससे बिल्कुल अलग तरीके से काम करे. Go with me to the book of Proverbs chapter 4 and verse 18. Come on. चलिए निकालें नीति वचन का अध्याय 4 उसका 18वां वचन. Proverbs 4 and verse 18. I'm reading from the message translation. और देखिए यहां पे पढ़ रहे हैं मैसेज ट्रांसलेशन में से. Here it goes. चलिए आगे बढ़ते हैं. It says the ways of right living people glow with light. The longer they live, the brighter they shine. और देखिए यहाँ पर वचन इस तरह से लिखा हुआ मैसेज ट्रांसलेशन के जरिए ऐसा बताया गया है कि जो लोग सही जीवन जीते हैं उनका मार्ग जो है प्रकाश से चमकता जाता है और जितने लंबे समय तक वे जीवित रहते हैं उतनी ही वे चमकदार होगी. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. The longer they live, जितना लंबा वो जीते हैं, the brighter they shine. उतने ज्यादा वो चमकदार होते हैं. This means every day is different. इसका मतलब हर एक दिन बिल्कुल अलग होता है.
These scriptures tell us that we must shine brighter each day. We are to move from glory to glory. और ये वचन हमें बताता है कि हमें हर दिन चमकते जाना है, हमें महिमा से महिमा के स्तर में जाना है. This is what companies do. This is what organizations do. And when it comes to us Christians, we say, okay, it's okay. That's stagnancy, mind you. और देखिए यही तो कंपनियां करती हैं, यही तो बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी करते हैं, वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं. लेकिन जब मसीह लोगों की बात आती है इस पर, तो वे कहते हैं ठीक है. और ये देखिए एक ही जगह पर ठहरे रहने वाला कार्य बन जाता है. So the first thing, church. तो पहली चीज कलीसिया. There is an anointing that will cause you to change. There's an anointing that will cause you to go higher and higher and from glory to glory. That anointing is called the anointing for speed. और देखिए इसी वजह से बताना चाहते हैं, ऐसा एक अभिषेक है जो आपको बदल देगा, ऐसा एक अभिषेक है जिसके जरिए आप ऊंचाई पर ऊंचाई और बुलंदियों पर चलते जाते रहेंगे. और यह अभिषेक कहलाता है अलौकिक रफ्तार का अभिषेक. टुडे आज यू नो आई हैव सीन दिस इन स्क्रिप्चर, आई हैव सीन दिस इन पीपल्स लाइव्स. पासवान जी इस वचनों का और ये कार्य लोगों की जिंदगी में होते हुए इन्होंने देखे हैं. रिसेंटली हाल ही में अ वुमन रोट टू मी, एक बहन ने, एक महिला ने लिखे दैट शी हैड स्टार्टेड अ स्मॉल टी स्टॉल. उन्होंने छोटा सा एक चाय का स्टॉल उन्होंने शुरू किया. एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल टी स्टॉल जस्ट आई थिंक 6 मंथ्स बैक व्हेन द लॉकडाउन लिफ्टेड अप. जब लॉकडाउन की बात चल रही थी, जस्ट लिफ्टेड अप, तभी 6 महीना पहले हुआ था. जस्ट शी वुड स्टार्ट स्मॉल टी स्टॉल, छोटा सा चाय की जो डबली या चाय का जो स्टॉल होता है शुरू किया. एंड शी रोट टू मी लास्ट वीक, और पिछले हफ्ते उन्होंने लिखे दैट शी सेड पास्टर, उन्होंने ऐसा कहा पासवान जी, गॉड हैज ब्लेस्ड माय टी स्टॉल, परमेश्वर मेरे चाय के स्टॉल को आशीष दिया है. आई हैव मूव्ड इनटू अ प्लेस ऑफ माय ओन. कम ऑन, कैन आई हैव अ गुड एमेन. मैं आ चुकी हूं इसके जरिए. You see, अब देखते हैं, this cannot happen. ये यूं ही नहीं हो सकता. Without the presence of God, without God releasing that anointing. जब तक परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर का अभिषेक न मुक्त हो जाए. There's another person who wrote to me. और एक व्यक्ति ने लिखे. He says, Pastor, I started out as a small accountant. और उन्होंने ऐसा कहा कि पासवान जी मैंने छोटे से अकाउंटेंट के रूप में पेशे में मैंने शुरुआत किया. And the Holy Spirit was so gracious to me. और पवित्र आत्मा मेरे लिए बड़ा दयालु और अनुग्रहकारी था. Even in these trying times, even in these difficult times, I've got a promotion as a financial officer in the company. Come on, somebody shout hallelujah. इस दौर के समय में भी मुझे जो फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर मेरी कंपनी में नियुक्त किया गया है. This is the anointing of speed. और देखिए यह है अभिषेक रफ्तार देने वाला. I see this happening in our ministry. I see this happening in people's lives. पासवान जी ने यह अपने सेवकाई में होते हुए देखे, लोगों की जिंदगियों में होते हुए देखे. They start off very small. और छोटे से, बहुत ही छोटे से उन्होंने शुरू किया. And they just grow up like this. और बस लगातार वो बढ़ता चला गया. And suddenly people say, how is this possible? और अचानक लोग पूछने लगे, ये कैसे संभव हो गया? How is this happening? ये सब कैसे हो रहा है? There is an anointing behind that. और इसके पीछे एक प्रकार का अभिषेक काम कर रहा है. You create something small. आपको छोटा शुरू करते हैं. And it touches so many thousands of people. और ये हजारों लोगों को छूने लगता है. It's an anointing for speed. ये एक रफ्तार का अभिषेक है. Go with me to the book of Psalm 84 and verse 7 now. चलिए निकाले भजन संहिता अध्याय 84 उसका सातवां वचन. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, वे ताकत पर ताकत पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर का अपना मुंह दिखाएगा. Notice what it says. Strength to strength. गौर करें यहाँ पे शब्द जो आया, ताकत से ताकत पे. And how does it happen? और कैसे ये होता है? It happens when they appear before God in Zion. ये तब होता है जब सियोन में परमेश्वर के सामने आते हैं. You see, it happens in the presence of God. आप देखते हैं ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति में. It's not because of how strong they are, how beautiful and how capable they are. It's because they appear before God. ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा ताकतवर है या फिर ज्यादा आकर्षक है. नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करते हैं. They appear before God in Zion. वे सियोन में परमेश्वर के सामने आते हैं. Hallelujah. कहे हालेलुया. Now church, when I talk about like these things. और देखिए कलीसिया, जब पासवान जी इन चीजों पर ऐसे चर्चा करते हैं. Many people say, oh, maybe it's possible for somebody. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ओ शायद किसी और के लिए संभव हो. But for me. लेकिन मेरे लिए. I don't think it's going to ever happen. मुझे नहीं लगता ये कभी मेरे लिए होगा. Please listen very carefully. और मेहरबानी करके बड़े ध्यान से सुनिए. You need to change that kind of thinking. आपको इस प्रकार के सोच विचारों को बदलना है. Because you see, the Bible says that God holds the times and seasons in His hands. आप देखते हैं बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर समय और ऋतुओं को अपने हाथों में रखता है. Please understand this. और ध्यान से समझिए. Time is in the hand of God. समय परमेश्वर के हाथों में है. Season is in the hands of God. ऋतु और दौर भी परमेश्वर के हाथों में है. Daniel 2:12 says that. दानियल का दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन ये कहता है. And God is able to do what He feels like, and He can bring you in that place, in that position,
as he determines to. और देखिए जैसा परमेश्वर महसूस करता है और जैसा वो तय करता है आपको उस मुकाम पर उस स्थान पर वो ला सकता है. You need to receive this word. और आपको ये वचन ग्रहण करने की जरूरत है. Today you may not be married. और शायद आप अविवाहित हो. I don't know why I'm saying this. पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं. Suddenly the Lord will give you a life partner. Boom. अचानक परमेश्वर आपको जीवन साथी ले आएगा और चीजें होने लग जाएंगी. I'm telling you, कहते हैं आपसे, how, when, what? लोग पूछेगा ये कैसे हो गया, क्यों? It will happen in Jesus name. ऐसा होगा यीशु के नाम में. You're staying in a rented house. आप भाड़े के घर में रहते हैं. And suddenly, a place of your own, you're having a car. People say, hey, when this happened? और अचानक आपके पास खुद का घर हो जाएगा, खुद की कार आ जाएगी और लोग चौंक कर कहेंगे अरे ये सब क्या हो गया. It's the anointing for speed. ये रफ्तार का अभिषेक है. Lift your hand and say, I receive this word in Jesus name. अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम. Today you are in debts. आज आप कर्जे में हैं. Lakhs of rupees. लाखों का कर्जा है. That anointing hits you, you are out of debt. Somebody say amen. जब अभिषेक आप पर आता है आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे. I'm not kidding. It will happen to you and you will testify. Somebody say, I receive this word. मजाक नहीं कर रहे, ये आपके साथ होगा और आप यकीनन गवाही देंगे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Let's get into the word. Now we are just starting now, okay? चलिए अभी तो हम बस शुरू ही. Now you really understand what I'm trying to say today. आज आप अच्छे समझ पा रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं. Go to Joshua chapter 6 and let's read from verses 1 to 4 onwards. और चले जाएंगे यहोशू की पुस्तक में उसका छठवां अध्याय पहले वचन से चौथे वचन में. It says, वचन कहता है, Now the gates of Jericho were tightly shut. Why? Because the people of Jericho were afraid of the Israelites. और देखिए वचन में लिखा है यरीहो के सब फाटक बंद रहे थे. क्यों? क्योंकि इजरायलियों के डर के मारे वे दरवाजा बंद करके थे. No one was allowed to go out or in. और कोई अंदर या कोई बाहर नहीं जा पाता था. Watch this. गौर करें. And the Lord said to Joshua. फिर प्रभु ने यहोशू से कहा. I have given you Jericho, the king and all its strong warriors. मैंने यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर दिया है. Now, whenever God gives you a miracle, there will be a prophetic instruction. Listen carefully. और देखिए जब कभी परमेश्वर आपको कोई आश्चर्यकर्म देने पर होता है, देखिए उसके पहले भविष्यवाणी का निर्देश वो पेश करता है. ध्यान से सुने. Notice what he says. गौर करें यहाँ पे. You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. और देखिए वचन में लिखा है इसे तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए. In other words, they had to go around Jericho. उन्हें यरीहो के चक्कर काटना था. Once every day. हर एक दिन एक-एक बार. For 6 days. अगले 6 दिनों तक. Go around it. और वे चक्कर काट के आते. Come back. आते. That's one. वो पहला. Next day go around. अगले दिन फिर वे जाते. Come back. चक्कर काट के वापस लौटते. They had to do this for 6 days. ऐसा उन्हें करना था 6 दिनों तक. Now watch this. अब गौर करें. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day. You are to march around the town 7 times. और देखिए आगे वचन में लिखा है और 7 याजक संदूक को आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें. फिर 7वें दिन गौर करें. फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. This is really, really interesting. ये बहुत ही दिलचस्प है. You know, I was doing a small study. पासबंद जी एक छोटा सा अध्ययन कर रहे थे इसपे. And in that I found out that Bible scholars are saying that. और उसमें इन्हें पता चला बाइबल के विद्वान जो कहा करते. To march around the town of Jericho fully. और उस यरीहो नगर को पूरी तरह से चक्कर काटने के लिए almost took them a day. लगभग उन्हें 1 दिन का समय लगता था. So what they were doing on a daily basis, तो जो वो रोजमर्रा के दिन कर रहे थे, that would take them nearly, not fully, but nearly a day. और इसे पूरा करने में तकरीबन 1 दिन लग जाता था. Now on the 7th day, अब 7वें दिन, God commands Joshua, परमेश्वर यहोशू को आदेश देता है, and tells his men, और कहता है कि अपने लोगों से कहो, that on the 7th day, कि 7वें दिन, what took you one day, जिसको करने के तुम्हें 1 दिन का समय लगता था, I want you to do it 7 times in one day. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम 7 बार चक्कर काट के आओ वो भी 1 दिन में. When I read this stuff, जब पसंद ये से पढ़े, I said this is impossible. अरे ये तो असंभव ही है. Because to go around the city, it takes one day. क्योंकि उस नगर के एक बार चक्कर काटने के लिए 1 दिन लगता था. How can they do it 7 times in one day? तो फिर कैसे संभव है कि एक ही दिन में 7 बार वो चक्कर काट ले? That was that anointing that God released upon Joshua and his people. यही तो वो रफ्तार का अभिषेक था जो परमेश्वर ने यहोशू और उसके लोगों पर मुक्त किया. What would take them 7 days? और जिसको करने के लिए 7 दिन होने लगे. God gave them that anointing to accomplish it in one day. Receive it. परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक दे दिया कि एक ही दिन में उस कार्य को पूरा कर ले. You see,
the anointing was released, and that is why Joshua could take that city. Do you know that city, even Bible scholars say, was impregnable, impenetrable, and Joshua just took it like that. You see, the anointing was released. Somebody say, I receive this word. Come on. और उसके लोगों ने जाकर इस नगर को अपने कब्जे में ले लिया। बाइबल के विद्वान ऐसा कहते थे कि वो नगर इतना अभेद था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, लेकिन यहां पर हम देखते हैं यहोशू ने और उसके लोगों ने जाकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। That's why uncommon results you see in Joshua's life. और इसी वजह से आप यहोशू की जिंदगी में असाधारण परिणामों को देखते हैं। Otherwise it not be just possible less like that. नहीं तो वो यूं ही ऐसे संभव ही नहीं था। Lift your hands and say with me. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें हमारे साथ। The anointing for supernatural speed is upon my life. Say that everybody right now. सभी लोग कहें अलौकिक रफ्तार का अभिषेक मेरे जिंदगी पर है इस वक्त। Open your mouth, lift your hand and say it three times. The anointing for supernatural speed is upon my life. No more delays in Jesus' name. Say that. Say that. Say that. Say that. Say that. Allah ki raftaar ka abhishek meri zindagi par hai. Abhi aur koi deri nahi hogi. Say no more delays in my life in Jesus' name. Kahe aur koi deri nahi Yeshu ke naam mein meri zindagi. I don't know whom I'm talking to, but there will be no more delay in your life in the name of Jesus. Pata nahi kisse keh rahe hain, lekin aapke zindagi mein aur ab se koi deri nahi hogi Yeshu ke naam. Somebody raise your hand and shout hallelujah right now. Hallelujah. Chillaye hallelujah is waqt. Say there will be no more delay in my life in the name of Jesus. Aur kahe is waqt aur koi deri nahi meri zindagi mein Yeshu ke naam. Thank you, Lord. You see, when this anointing for supernatural speed comes upon you, देखिए जब ये अलौकिक रफ्तार का अभिषेक आपके जिंदगी पर आता है, the level of progress will be astounding. It will shock your enemies. तो आपकी तरक्की का जो स्तर है, ये आपके दुश्मनों को, शत्रुओं को चौंका के रख देगा. I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया. Your enemies, they will say, what? How is this possible? और आपके शत्रु चौंककर कहेंगे, क्या? ये कैसे संभव हुआ? This is the anointing of speed. यही तो रफ्तार का अभिषेक है. They think that you will never make it. और वे ऐसा सोचते थे कभी आप कामयाब नहीं होंगे. But you will not only make it, you will make it in time. Somebody say I receive. आप सिर्फ कामयाब ही नहीं हुए, लेकिन आपने समय पर ही पूरा कर दिया. Somebody say I receive it in Jesus' name. कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में. Jesus accomplished so many things in just 3.5 years. आप देखते हैं यीशु ने बहुत सारी चीजों को बस 3.5 साल में ही हासिल कर लिया. What takes people a lifetime to accomplish and probably even fail over there, it just took Jesus 3.5 years to accomplish. Church, You may say, oh, that is Jesus, but you see, he was fully man. There is an anointing which I want to share with you today. Lift your hand and say, I receive in Jesus' name. Come on. और देखिए जिन कामों को करने के लिए लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है और पूरी जिंदगी भर में भी देखिए कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन यीशु ने बस उन कामों को 3.5 सालों में ही कर दिया. शायद आप सवाल कर रहे हैं कि वो तो यीशु थे, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु भी पूर्ण रूप से मनुष्य ही थे और वो अभिषेक उनके जिंदगी पर, वो हमारे अभिषेक हमारी जिंदगी पर. Some of you, you know, you got married late. देखिए आप में से कुछ लोगों की शादी जो है देरी से हुई. You started family late. आपने अपने परिवार की शुरुआत देरी से की. And things are like not happening for you. और चीजें जो है आपके लिए वैसे नहीं हो रही. You need to pray for this anointing today. तो आपको इस अभिषेक को आप पर आने के लिए आज प्रार्थना करनी है. You're trusting God, you know, for a house. You're trusting God for a baby. And you're saying like, oh, I've already passed that age and things like that. But you see, this anointing will make it happen for you in life in Jesus' name. Lift your hands, say, I receive this word in Jesus' name. Come on. खुद का घर लेने के लिए या बच्चे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो जरूरी है कि देखिए अगर ये नहीं हो रहा है, तो आपको प्रार्थना करना कि अभिषेक आपकी जिंदगी पर आ जाए यीशु के नाम में. The same people who laughed at you, they will stand in the line to congratulate you. Receive this. वही लोग जो आप पर हंसे थे ना, वही लोग कतार में खड़े होंगे आपको बधाई देने के लिए. चलिए ग्रहण करें इसे. I am not kidding. It's going to happen. ऐसा होगा. It's going to happen. ऐसा होने जा रहा है. Now let me define supernatural speed, the anointing of a supernatural speed. चलिए अलौकिक रफ्तार का जो अभिषेक है उसको परिभाषित करते हैं कि दरअसल क्या है ये. The anointing for supernatural speed is a grace, an empowerment to achieve God's given goals in God's timing. और देखिए ये अलौकिक रफ्तार का अभिषेक जो है, यह परमेश्वर की ओर से एक सक्षमता है, काबिलियत है कि परमेश्वर द्वारा दिए हुए लक्ष्य को आप समय पर पूरा कर सकें. Pastor, can you show it to me in the word? Of course I can. पासवान जी, क्या मुझे आप वचन में दिखा सकते हैं? यकीन दिखाएंगे. Go to Isaiah 40 verse 31 right now. यशायाह का 40वां अध्याय उसका 31वां वचन में देखेंगे इस वक्त. It says, but those who wait upon the Lord. वचन में लिखा है, परंतु जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं. What will happen? क्या होगा? First thing, पहली चीज़, they shall renew their strength. वे अपने ताकत को नया करेंगे. They shall mount up with wings like eagles. In other words, they will enter into realms which is not possible naturally to enter. और देखिए वे उकाबों के समान चढ़ेंगे, यानी कि वे ऐसे आयाम में वो प्रवेश कर जाएंगे जो स्वाभाविक तौर पे संभव ही नहीं है. Their levels will change. उनका स्तर बदल जाएगा. The third thing, तीसरी चीज़, they shall run and not be weary. वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे. Hey, watch this church. दौड़ करें यहाँ पे. They shall run. वे दौड़ेंगे. I want you to understand this truth. और चाहते हैं कि सच्चाई को आप समझ जाएं. When you run, there is weariness.
जब आप दौड़ते हैं तो देखिए ऐसी थकावट आती है. This running is a supernatural running which I spoke about in 1 Corinthians. लेकिन ये दौड़ना जो है ये अलौकिक दौड़ है जिसके बारे में पहला कुरिन्थियों के पत्र में बताया. They shall walk and not faint. वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे. You know many people in today's times. देखिए आज के जमाने में बहुत सारे लोग are spiritually fatigued. और देखिए आत्मिक तौर पे वो पूरी तरह से थकान से चूर हो गए हैं. They are mentally fatigued. और मानसिक तौर पे वो थके हुए हैं. Some people call it fog. I don't know what is fog and all that. Brain fog. I heard a fog in the natural. What is brain fog? It's just that your spirit man is fatigued. There's nothing called a brain fog. Come on. ऐसा है कि बस वो आपका आत्मिक मनुष्यत्व थकावट से पूरी तरह से चूर हो गया है. You just given up. आप बस हार मान चुके हैं. You feel so low. आप एकदम नीचे महसूस कर रहे हैं. You go to the doctor. आप डॉक्टर के पास जाते हैं. And the doctor runs a scan. He says nothing is wrong with you. और डॉक्टर पूरा जांच करता है, स्कैन करता है, कहता है कुछ भी खराबी नहीं है. Because he himself doesn't know what is wrong with you. क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि दरअसल क्या खराबी है उसमें. The thing is. चीज ये. Your strength is depleted. You see. You're feeling spiritually weak and you can't run now. You can't walk in the spirit. Prayer seems boring for you. Things of God seem boring for you. But I want you to understand this. You know, you do things, you go to work because you have to go to work. You're doing things because you have to do it. It's become all just because you're living, just because you have to live anyway. और देखिए क्योंकि आप बस जीवन जीना है, आप तो किसी भी तरीके से आप जी रहे हैं, और क्योंकि आपको काम पे जाना है इसलिए आप बस जाते हैं और आपकी जिंदगी बस ऐसी चलती चली जाती है. Yes. But that anointing for speed is missing in your life. लेकिन वो रफ्तार का अभिषेक जो है आपकी जिंदगी में नहीं होता. I want you to understand this truth. चाहते हैं ये सच्चाई को आप समझ जाएं. So here it says clearly in Isaiah 40:31, it speaks about the anointing for speed. It says, when you run, you'll not be weary. You just run. What happens to a man who can run without getting tired? He will run ahead of everyone. Come on, somebody. और देखिए यही तो बताता है यशायाह इस अध्याय में कि आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, बस दौड़ते चले जाएंगे. और वो व्यक्ति जो दौड़ता जाता है कभी थकता नहीं है, उसका क्या होता है? वो सबके आगे, सबको पछाड़ के आगे जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Let me show it in next one. चलिए दिखाते हैं अगले बात पे. The anointing for speed. Go to Deuteronomy 28. निकालिए इस समय व्यवस्था का 28वां अध्याय. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Deuteronomy 28 and verse 13. 28वां अध्याय व्यवस्था का उसका 13वां वचन. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. देखिए प्रभु का वचन कहता है और प्रभु तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं मगर ऊपर ही रहेगा. ऊपर ही रहेगा. In other words, दूसरे शब्दों में, it's not that the Lord will take you up sometimes and bring you down and then take you up and then bring you down and then take you up like a roller coaster. No, our God is not a roller coaster gentleman. देखिए ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर देखिए एक दिन आपको ऊपर उठाता है, फिर आपको दूसरे दिन नीचे लाता है, फिर तीसरे दिन ऊपर उठाता है, फिर चौथा दिन. ऐसा नहीं चलेगा. He says he'll take you up. देखिए वचन कहता है कि वो आपको ऊपर ले जाएगा. And he will keep you there. और आपको वहीं पर बनाए रखेगा. Somebody say I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त. And you're going. और आप जा रहे हैं. Your people and there are people saying when this fellow will come down. और फिर दूसरे लोग सोचते हैं ये व्यक्ति कब नीचे उतरेगा. The truth is, सच्चाई है, you will not come down. आप नीचे नहीं आएंगे. Because the one who took you there. क्योंकि जिसने आपको वहाँ पहुँचाया है. He will keep you there. वो आपको वहाँ बनाए रखेगा. Somebody say I receive this word. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ. Whether it's your health. चाहे आपका स्वास्थ्य हो. Whether it's your marriage. चाहे आपकी शादी हो. Whether it's your business. चाहे आपका व्यवसाय हो. You know many people. They want you to fall. देखिए बहुत सारे चाहते हैं कि आप गिरे. They want you to make mistakes. वो चाहते हैं कि आपसे गलती होए. They want in secretly they desiring you'll fall. और देखिए गुप्त तौर पे वो ऐसी तमन्ना रखते हैं कि आप कहीं ना कहीं गिरे. They are wanting your position. और वे चाहते हैं आपका पद उनको मिल जाए. Hello, I'm not lying to you. देखिए झूठ नहीं बोल रहे. But mark my words. देखिए देख लीजिएगा. This word says he will make you the head and not the tail. He will keep you above and not beneath. That's an anointing for speed. Lift your hand and say I receive this word in Jesus name. और देखिए उसका वचन कहता है कि वो आपको पूछ ले कि तू सिर ही ठहराएगा और वो आपको नीचे नहीं मगर ऊपर ऊपर ही बनाए रखेगा. एक प्रकार का अभिषेक. चलिए ग्रहण करें यीशु के नाम में. I'm telling you church. Your father never attained those levels, but you will. Hallelujah. आपके पिता दादा पर दादा उस स्तर को कभी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आप जरूर करेंगे. Your ancestors never reached that level. आपके पूर्वज कभी उस स्तर में नहीं गए. But you will. Your children will in Jesus' name. लेकिन आप और आपके बच्चे उस मुकाम पर जरूर जाएंगे. Raise your hand and say, Lord, help me today in Jesus' name. हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरी मदद कर आज यीशु के नाम में. Anointing of speed come upon my life in Jesus' name. और कहें रफ्तार का अभिषेक मेरी जिंदगी पर आए इस वक्त यीशु के नाम में. In the mighty name of Jesus. यीशु के समर्थन नाम में. Pastors watching me right now. जो पासवान देख रहे हैं आप. Your church will grow. Your ministry will grow. In the mighty name of Jesus.
Jesus. Businessmen, businesswomen, listen to me. जो व्यवसायिक लोग ध्यान से सुने. Don't just listen to what the media writes. जो मीडिया लिखता है बस वही ध्यान मत दीजिए. There is a God in heaven who speaks things about your life. स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी के बारे में चीजें बोलता है. It's not the media who decides your future. God has decided your future. Lift your hands, say amen. ये मीडिया नहीं है जो आपके भविष्य को निर्धारित करता है, परमेश्वर ने आपके भविष्य को तय करके रखा है. Are you listening, church? क्या सुन रहे हैं? What took them 20 years will just take you 2 years. Mark my words. Receive in Jesus' name. जो उनको करने के 20 साल लगे आपके 2 साल में हो जाएगा. ग्रहण कर लीजिए. This sounds crazy. This sounds, you know, I don't know how to describe it, but it's true. It's in the Word of God. और जानते हैं कि ये सुनने में सन की जैसा लगे, लेकिन किस तरह से परिभाषित करें, लेकिन हकीकत वचन में दर्ज है ये. Ancient people knew this secret. और प्राचीन लोग, जो पुराने जमाने के लोग, इस रहस्य को जानते थे. I'm not kidding. मजाक नहीं कर रहे. Ancient people knew this secret. प्राचीन समय के लोग इस रहस्य को जानते थे. I could tell you some things outside, but I want to stick to the Bible. और देखिए, कुछ बाहर से बता सकते हैं, लेकिन बाइबल से चिपके रहना ज्यादा पसंद करेंगे. I just gave you a hint. बस आपको एक नुस्खा दे दिया. Ancient people, I don't want to speak now. और देखिए, प्राचीन जमाने के लोग नहीं बोलना चाहेंगे. They knew this secret. They understood the reason anointing for speed. वे इस रहस्य को जानते थे, वे समझते थे कि एक रफ्तार का अभिषेक भी है. Forgive me, I can't speak the things that is outside the Bible, so I don't want to go there. I just want to go, but I will give you a hint. Go to Genesis 24 verse 12. I'm reading from the KJV translation. चले निकाले उत्पत्ति का 24वां अध्याय उसके बारे वचन में. And it says, वचन कहता है, And he, Eliezer, said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day. And show kindness unto my master Abraham. और देखिए यहाँ पे उत्पत्ति का 24वां अध्याय उसके बारे में वचन में वह यानी एलीजर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मुझे अच्छी रफ्तार दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर. Notice it says, गौर करें, send me good speed. मुझे अच्छी रफ्तार दे. Wow. Now who was Eliezer? Eliezer was a one of the chief trusted servants of Papa Abraham. और ये एलीएजर कौन था? हम देखते हैं कि एलीएजर पापा अब्राहम का एक बहुत ही भरोसेमंद उच्च पद का एक सेवक था. He had commissioned Eliezer saying, "Go and find a wife for my son Isaac." अब्राहम ने एलीएजर को एक काम सौंपा था कि वो जाए और उसके बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढ लाए. Now how many of you know that finding a good wife is not easy? कितने लोग जानते हैं कि अच्छी पत्नी को पालना आसान नहीं है? You can find a woman, but to find a good wife, okay, let me not go there. My wife is sitting here. Okay. अच्छी पत्नी को पाना आसान नहीं. I'm telling you, many people have been waiting, you know, they're sifting through the photographs and still they are not able to, you know. और देखिए, बहुत सारे बस इंतजार में रहते हैं और अब तस्वीरें जो है बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं. So it's not easy. तो ये आसान नहीं होता. You know, you can find a man out. बाहर देखिए, आप मर्द को पा सकते हैं. But a good husband. लेकिन एक अच्छा पति. You know, people say, wait, he will come, she will come. लोग कहते हैं, अरे रुके रहो, इंतजार करो, वो आएगा, वो आएगी. And maybe they're right. और शायद वो सही हो. But I want to change all that today. Receive this word. Somebody say, amen. आज वो सारी बातों को बदलते, ग्रहण करें, बोले आमेन. Listen, I'm a man of God. I'm not telling you because I have to speak something. No. और सुनिए, परमेश्वर के जन के रूप में पासपान जी बस कुछ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुने. These are not just words I'm speaking. और ये बस कहने वाले शब्द ही नहीं. Maybe you're trusting God for a husband, for your daughter, for a wife, for your son, or whatever. Listen carefully now. शायद हो सकता है आप अपने बेटे के लिए पत्नी के इंतजार में हैं, आप बेटी के लिए अच्छा पति ढूंढ रहे थे. ध्यान से सुने इस वक्त. So Eliezer prays now. तो एलीएजर प्रार्थना करता है. He says, God, कहता है, परमेश्वर, I've just come over here. मैं बस यहाँ आया हूँ. I don't know what to do. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. And he's praying. वो प्रार्थना करता है. Lord, bring that person in front of me. और वो कहता है कि प्रभु, मेरे सामने उस व्यक्ति को ले आ. And this anointing, please listen to me. अब सुने ध्यान से. This anointing comes upon Eliezer's life. और यह अभिषेक एलीएजर की जिंदगी में आता है. And you know the story. Please go and read it. आप ये कहानी को जानते हैं, जाके जरूर पढ़िएगा. They find a good girl for Isaac. It's Rebecca. She's a very beautiful, very good woman. और इसहाक के लिए रिबका नाम बड़ी अच्छी लड़की उन्हें, बड़ी खूबसूरत लड़की उन्हें मिल जाती है. Now listen to the testimony of Eliezer, not the testimony of Abraham, because he is a man of faith. But now look at Eliezer. Look at his testimony. अब देखिए, एलीएजर की गवाही को इस वक्त देखेंगे. अब्राहम के नहीं, वो तो विश्वास वाले व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर एलीएजर की गवाही को देखते हैं. Listen to this testimony now. सुनिए की गवाही को. In Genesis 24:45. उत्पत्ति का 24वां अध्याय उसका 45वां वचन. He writes. वो लिखते हैं. Before I had finished speaking in my heart,
मैं अपने दिल में ये कह ही रहा था. He didn't even speak with his mouth. और अपने मुंह से और उसने बोला भी नहीं. He says, I had finished speaking in my heart. I was just thinking in my heart. और वह कह रहा है कि मैं अपने मन में अपने हृदय में बस सोच ही रहा था कह ही रहा था अपने अंदर ही अंदर. There was Rebecca coming out with her pitcher on her shoulder. कि देखो रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई. Hallelujah. Ah, Pastor, this is just one scripture now. You are just... You know, the Bible says in Isaiah, it says, before you call, I will answer you. What is that now? Hallelujah. Jesus. You get up in the morning and say, I just think it should, standing in the door. बस दरवाजे पे खड़ा होता है वो. Glory, that is speed, my friend. यही तो रफ्तार है मेरे दोस्त. That is speed. ये रफ्तार है. I was just thinking, you know, I should get a new dress and boom, somebody comes. That is speed, brother. और यही तो रफ्तार है. Listen to me carefully. सुने ध्यान से. This is the speed. It's in the word of God. ये एक रफ्तार है जो परमेश्वर के वचन में Today, मिलता है. Lift your hand and say, I receive this anointing for supernatural speed upon my life, upon my finances, upon my documents in the name of Jesus. Somebody shout like you lost it. Come on, somebody. अपने हाथ उठाकर कहें कि आज इस अभिषेक को मैं अपनी जिंदगी पर, अपने दस्तावेजों पर, अपने काम धंधे सब कुछ पर फिर करता हूं यीशु के नाम में. Every delay be uprooted for my life. Begin to pray. चलिए प्रार्थना शुरू करें. हर एक देरी मेरी जिंदगी से उखाड़ दी जाए यीशु के नाम में. Be uprooted in the name of Jesus. हर एक रुकावटें उखाड़ दी जाएं शुके नाम में. Begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में. He had just finished praying. और उसने बस प्रार्थना करना शुरू किस खत्म किया. And the answer to that prayer was right over there. और उसकी प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल उसके आंखों के सामने आ गया. It will happen today in your life in Jesus' name. ऐसा होगा आज ही आपकी जिंदगी में यीशु के नाम में. You know, you're feeling a stirring in your spirit. और देखिए आप अपनी आत्मा में एक उत्तेजना को महसूस कर रहे हैं. You know, this word is from the Lord. आप जानते हैं वचन प्रभु की ओर से. Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Begin to praise Him. Take a 10 second break and begin to praise Him. Come on, lift your voices. 10 second का अवकाश के चलिए उसकी. Say thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. That you will remove every delay, every wrong turn that I made. You will compensate it for it. Hallelujah. In Jesus' name. हर एक देरी और हर एक गलत मोड़ जो मैंने ले लिया था प्रभु उसे आप पलट रहे हैं यीशु के नाम. In the name of Jesus. यीशु के नाम. Many of you made wrong turns. आपने से बहुत सारे गलत मोड़ ले लिया. Take a left, you took a right. आपको बाएं जाना था लेकिन आप दाएं चले गए. Take a right, you took, you went somewhere left. आपको दाएं जाना था तो आप बाएं चले गए कहीं और चले गए. But don't worry. फिक्र ना करें. God will make up for it. Hallelujah. परमेश्वर आपके लिए उन कामों का अंजाम देगा. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Are you following me right now? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? Go with me to the book of Numbers. चलिए निकालें गिनती की पुस्तक में. Numbers 17. गिनती की पुस्तक उसका सातवां अध्याय. Verses 1-4. Now this is amazing. और ये पहले वचन से लेकर चौथे वचन में देखिए बहुत ही जबरदस्त. All about this stuff. पासवान जी आपने ये सारी चीजों के बारे में बता दिया. Now I want to know how it can happen in my life. अब मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मेरी जिंदगी में हो सकता है. All right, go to Numbers 17. चलो निकाले गिनती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय. And let's read from verse 1-4. हरियाम. आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से छठे वचन. Now this is interesting. I tell you. बहुत ही दिलचस्प है. Everywhere the anointing of speed is there. आप देखते हैं हर जगह पर रफ्तार का अभिषेक मिलता है. Yes. जी हाँ. All right, here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं. Numbers 17. गिनती की पुस्तक 17वां अध्याय. And the Lord spoke to Moses saying. तब प्रभु ने मूसा से कहा. Speak to the children of Israel and tell them to get a rod from each of their father's house. इसराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक छड़ी ले ले. Now you know that the tribes of Israel, there were 12 tribes of Israel. आप देखते हैं इसराइल के गोत्र 12 गोत्र हुआ करते थे. And Moses is telling for every tribe get one rod. और वहां पर मूसा से कह रहे हैं कि हर एक गोत्र के प्रतिनिधित्व के तौर पे एक-एक छड़ी ले लो. And further on it says 12 rods. और फिर आगे लिखा है 12 छड़ियां. Write each man's name on his rod. और उन 12 छड़ियों में से एक-एक पर एक-एक के मूल पुरुष का नाम लिख लो. Now please understand this. अब समझिए इसे. There was nothing special about the rods. उस छड़ी के बारे में कोई भी ऐसी खास बात नहीं थी. They were just ordinary rods. वे बस मामूली सी छड़ियां थी. Sticks you can call them. And further verse 3 says you shall write Aaron's name on the rod of Levi. आगे लिखा है और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख. So the tribe of Levi had a rod. On that rod was written Aaron's name. तो हम देखते हैं लेवियों के पास एक छड़ी हुआ करती थी और उस पर हारून का नाम लिखा था. And further on it says. आगे बच्चे में लिखा है. Then you shall place them in the tabernacle of meeting before the testimony where I meet with you. आगे लिखा क्योंकि और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे. Please listen to this right now. अब सुनिए ध्यान से. They had to take the rod. और देखिए उन्हें वो छड़ी लेना होता था. And they had to keep it in the tabernacle of meeting where he says I will meet you. और
उनको मिला वाले तंबू के साक्षी पत्र के वहां पर रखना होता था जहां पर परमेश्वर से मिलता। Now please, I listen very carefully. I'm finishing. चाहते कि बड़े ध्यान से सुनिए। One day one person wrote to me. एक दिन एक व्यक्ति ने पास्टर जी को लिखे, saying, कहते हुए, Why should I come to the service? कि क्यों मैं सभा में आऊं? God is everywhere. परमेश्वर तो हर जगह है। Now usually I don't reply to such emails because especially to those people who advertise their ignorance. अक्सर पास्टर जी ऐसे जो संदेशों का उत्तर नहीं देते हैं क्योंकि वे खास प्रकार के लोग जो अपनी अज्ञानता, अपने अनजानपन का इस तरह से इश्तिहार देते हैं। But this case was different, so I replied. लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग था, इसलिए पास्टर जी। I wrote to him, here it is. God is everywhere. और इन्होंने लिखे पास्टर जी ऐसा कहा कि परमेश्वर हर जगह है। But he manifests his presence where only two or three are gathered in his name. Can I have a good amen? फिर आगे लेके लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति को सिर्फ वहीं पर प्रकट करता है जहां पर दो या तीन उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं। He will not manifest his presence everywhere. वो अपनी उपस्थिति को हर जगह यूं ही प्रकट नहीं करेगा। But only where two or three are gathered together in his name. लेकिन वहीं पर जहां दो या तीन लोग इकट्ठा होते हैं उसके नाम पर, like you have gathered in your homes, जैसे अभी आप अपने घर में इकट्ठा हुए हैं, this is the secret of his presence, ये उसकी उपस्थिति का रहस्य है। Now what instruction God gave to Moses? Listen to this. अब सुनिए जो मूसा को परमेश्वर ने निर्देश दिया था। He said, take the rod, परमेश्वर ने कहा छड़ी को ले लो, and keep it in my presence, और मेरी उपस्थिति में रख दो, not just anywhere, और दूसरे कहीं पर भी नहीं, said everyone, in my presence, सभी लोग मेरी उपस्थिति में। Now here's what happened. और देखिए फिर क्या होता है। Please listen very carefully. सुनिए ध्यान से। Go to Numbers 17 verse 8. When Moses next day, now, अगले दिन देखिए, went into the tabernacle of the covenant, he found that Aaron's staff, Aaron's rod, representing the tribe of Levi, had sprouted, had budded, had blossomed, and produced ripe almonds. Four things happened in just One night or 12 hours. Come on. और देखिए आगे लिखा है, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली हैं, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी निकल के आए और पके बादाम लगे हुए हैं। Four things. चार चीजें। It sprouted. और देखिए इसमें से कलियां फूट निकले, it budded, और उसमें से आगे देखते हैं फूल निकले, it blossomed, और ये फलवंत हुआ, and it produced ripe almonds, और सही पके हुए बादाम भी उसने उत्पन्न किए। Now I want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इसे समझें। Aaron's rod was in the presence of God. हारून की छड़ी जो थी वो परमेश्वर की उपस्थिति में थी। What would take weeks and months happened in just one night. और जिसे होने के लिए हफ्ते महीने लगते बस एक ही रात में हो गया। That is the anointing of speed. यही तो रफ्तार का अभिषेक है। I'll tell you the secret of this. और इसका एक रहस्य बताते हैं आपको। In the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, there is no time. कोई समय नहीं है। Glory to God. Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। I'm seriously, listen to me. गंभीरता से कह रहे हैं, सुनिए। There is a place. Now this is powerful. देखिए बहुत ही जबरदस्त है। There is a place in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा स्थान है। Where time stands still. जहां पर समय वही का वही रह जाता है। This is not for everyone. ये हर एक के लिए नहीं है। That's why Moses, इसलिए हम देखते हैं मूसा, could enter into the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था, and stay there, और वहीं पर रहता, for 40 days and 40 nights, 40 दिन और 40 रात तक, without food and water, बिना खाए पिए, there is a place in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा स्थान है, where time stops, जहां पर गुण समय रुक जाता है, and the time can either move forward or backward. तो समय या तो आगे चला जाएगा या पीछे। This is powerful. You know, people are talking about time machines and all this stuff. और देखिए लोग जो time machine और ऐसी सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। I'm sharing with you. I know you may call me a little. That's okay. You'll discover it. आप भी इसे पता लगा लेंगे। That's why Joshua. इसलिए यहोशू। He could enter the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा पाता। And he could tell the moon. और सूरज से कहता, चांद से कहता, Stay there. वहीं ठहरे रहो। And he could tell the sun, Stay there. और सूर्य से भी कहता, ठहरे रहो। Time stopped. समय रुक जाता है। The battle was accelerated. और फिर लड़ाई जो है आगे बढ़ती और जीत जाते। Now this is you may find this too much. और देखिए शायद ये आपके लिए बहुत ही भारी जैसा लगे। But let me tell you this. लेकिन बताने दीजिए। The proof is in the pudding, meaning you eat the pudding. Don't just talk about the pudding. Eat the pudding. और प्रमाण यानी सबूत जो है पुडिंग में है, यानी कि आप पुडिंग को खाते हैं उसका मजा लेते हैं, सिर्फ बोलने में नहीं। See the Lord is good. चक कर देखो प्रभु भला है। So you enter the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Not for 5 minutes. बस 5 मिनट के लिए नहीं। Not for 10 minutes. 10 मिनट के लिए भी नहीं। For 20 minutes. 20 मिनट। You stay there. आप वहीं बने रहते हैं। You stay there. आप बने रहते हैं। 1 hour. एक घंटा। 1.5 hours. आधा घंटा। 2 hours. और your flesh starts screaming. और आपका शरीर जो चिल्लाने लगता है। Your flesh starts revolting. आपका शरीर जो है विरोध करने लगता है। Enough.
कहता बस आई डोंट फील लाइक प्रेइंग एनीमोर इन माय लाइफ. अब मुझे मेरे जीवन में प्रार्थना बिल्कुल भी करने का समय नहीं हो रहा. मोमेंट यू डू दैट, जिस पल आप ये करते हैं, स्टे देयर, अब बने रहें. डू दिस फॉर अ वीक, एक हफ्ते दर तक के लिए करें. थिंग्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में की चीजें विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, रफ्तार को पकड़ने लगेंगी. यू नो पीपल जस्ट कम एंड से ओके आई विल डू द जॉब फॉर यू, समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ होने लगेगा. फॉर वन वीक नाउ वी स्टार्ट टेकिंग टू डेज एंड एज यू कीप ऑन डूइंग दिस the things will start accelerating in your life. Receive this word in Jesus' name. और जिसके लिए देखे हफ्तों दर लग जाते थे, बस एक ही दिन में होने लगे. और ये एक रहस्य और चीजें आपकी जिंदगी में होने लगेंगी. Talking only one area of your life. आपकी जिंदगी बस किसी एक क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहे. Every area of your life there'll be acceleration. आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र में ऐसी रफ्तार आ जाएगी. That's why the Bible says. इसलिए बाइबल कहती है. That the God's desire is not only for you to bear fruit, but exceedingly fruitful. परमेश्वर की तमन्ना जो आपके लिए सिर्फ फल उत्पन्न करने के नहीं है, लेकिन बहुतायत का फल उत्पन्न करना है. There is a place. ऐसा एक स्थान है. Same soil, same seed, same preacher, but you will produce. Some will produce 30, some will produce 60, some will produce 100-fold. Come on. एक ऐसा स्थान है. हम देखते हैं कि देखिए वही प्रचारक, वही वचन, लेकिन नतीजा जो है, कुछ लोग 30 गुना फल लाते हैं, कुछ लोग 60 गुना, कुछ लोग 100 गुना फल लाते हैं. I asked the Lord, I said, Lord. आज मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु. Same seed. वही तो बीज है. Same soil. वही तो मिट्टी है. Same sower. वही बोने वाला भी. Everything is the same. सब कुछ एक जैसा ही. Then why the different results? तो परिणाम जो है वो अलग अलग क्यों है? Some people accelerate. कुछ लोग रफ्तार पकड़ लेते हैं. That's the secret. यही तो रहस्य है. If you understand this truth, अगर आप इस सच्चाई को समझेंगे, everything will change. हर सब कुछ बदल जाएगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I hope this teaching has been a blessing to you. आशा करते हैं ये शिक्षण आपके लिए आशीष बनी है. You will come to me after a month. महीनों भर के बाद आप आएंगे. And say everything has changed. और कहिए सब कुछ बदल गया है. Somebody raise your hand and say I receive this word. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ. In the name of Jesus, doors begin to open for you. Thak, thak, thak. दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे. Now you are deciding whether will be married. You will be asking me which one to get married to. और देखिए पहले आप कि आपके पास सवाल ये होता था क्या मेरी शादी होगी, लेकिन अब आपके पास सवाल होगा कि किससे मैं शादी करूं. Somebody lift your hand and say I receive this word. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं.